जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद के सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार करके राजस्व कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के कड़े निर्देश दिए। उदासीन तहसीलदारों को निलंबन कार्यवाही की स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने भूमाफियाओं और सार्वजनिक संपत्तियों के अतिक्रमणताओं एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध तहसीलवार भूमि खाली कराए जाने का तहसीलदारों द्वारा क्षेत्रफलवार वितरण प्रस्तुत न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। अधिकारियों को बैठकों में अद्यतन सूचनाओं के साथ भविष्य में पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमाफियाओं को चिन्हित कर उसकी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर फीडिंग कराना भी सुनिश्चित कराने के साथ साथ उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों से कहा है कि सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णतः पारदर्शिता के साथ करें ताकि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल सके। देखिए, एक माह से अधिक तुम्हारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, निवास प्रमाण पत्र 37 पेंडिंग है, 37 सब गुडी गुडी स्टेटमेंट बन के आया हुआ है। ये सारी तहसीलों का बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट ये आगे नहीं है ना। मैं इस तरह की मीटिंग में जो है मुझे रुचि है,